हाय गाइस, आज मैं आपको एक एडवेंचर दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा गांव है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव है चांद सुरारी करके। अभी मैं ये सामने चलूँगा, एक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, मैं आज दिखाने वाला हूँ। मैं बताऊँगा नहीं उस जगह पे क्या होता है, फिर आगे हम मिलते हैं। ये रास्ता है और हम तीन दोस्त जा रहे हैं, सॉरी दोस्त नहीं, भाई हैं, हम सब एक ही परिवार से हैं। ये रास्ता थोड़ा टूटा फूटा सा है, अभी सड़क बना नहीं है। जो मेरा एडवेंचर है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, बहुत ही रहस्यमयी जगह है, मिस्ट्री प्लेस है। मैं जो आप बताने वाला हूँ वो सुन के आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा और थोड़ा डर भी लगेगा, और बाकी बातें मैं आप छिपाना चाहता हूँ, खुद बोल दिया। 5 minutes later तो गाइस फाइनली हम अपने एडवेंचर पे अपनी जगह पे पहुंच गया, जिस प्लेस की मैं बात कर रहा था उसी जगह पे हूँ मैं। ये देखने से बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, पर ये कोई नॉर्मल जगह है नहीं, बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है, बहुत ही रहस्यमय जगह है। ये मैं इधर भी दिखाता हूँ आपको, इधर का भी बैकग्राउंड देख लीजिए। देखिए अभी वो सामने नीचे दिख रहा है ना, नीचे देखिए, नीचे देखिए वो सामने नीचे। मैं अभी आपको एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखाऊंगा, बहुत ही खतरनाक चीज़ दिखाऊंगा, आप बने रहना, अब भागना मत वीडियो से, मैं आगे दिखा रहा हूँ। बस तुरंत मैं अभी हम तीनों नीचे जाएंगे, तो चलते हैं हम नीचे। साइड देख सकते हैं इधर, ये कोई रास्ता भी नहीं है, बस हम तीनों ऐसे, हमारे साथ 2 लड़का और भी है, हम तीनों अभी इधर से जाएंगे। कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती का रास्ता निकाल रहा हूँ, अभी कोई रास्ता है नहीं। आप पता अब इसी से समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक जगह है, कोई भी रास्ता नहीं, देख लीजिए आप, कोई रास्ता नहीं, झाड़ियों से ही जाना है हम लोगों को। झाड़ियाँ दिख रहा है ना कितना खतरनाक खतरनाक, दिखाओ, किसी झाड़ियों से होके जाएंगे हम तीनों, कोई रास्ता नहीं। और सांप भी रहता है इधर, बड़े बड़े सांप रहते, देख के चलना पड़े, तो सांप उतना हो रहा है। तब तक देखिए नीचे उतर चुके, देखिएगा आज नीचे उतर गए हैं, बस छोटा सा ट्रेलर जिसको टीजर कहते हैं, वो टीजर दिखाऊंगा मैं अभी, दिखाओ थोड़ा इधर करके जूम करके। देखो गाइस, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अभी हम लोग आप लोग को क्या दिखाने वाले हैं। आइए अभी आपको धीरे धीरे करके मैं इस जगह के बारे में बताऊंगा, और साथ में जो मेरे भाई भी है वो भी बताएगा आपको इस जगह के बारे में। घबराना नहीं है, जैसे हम लोग भी घबरा रहे हैं, आप लोग को भी नहीं घबराना है। देखिए प्यार से देखिए इस वीडियो को, वीडियो खतरनाक है, देखिए मजा आएगा गाइस, बहुत ही रास्ता ही लगा। देखो ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या है, पर हम लोग ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि यह क्या, ये है क्या, पर अभी तो फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है ये क्या हो सकता है। यार अरे गाय वाला है क्या, नहीं इंसान का, इंसान का ये काम, देख लो इंसान का ये काम। गाइस हम लोग जाएंगे यहाँ से तो फिर नहाएंगे भी, क्योंकि बिना नहाए शायद पता नहीं क्या हो सकता है, नहाना है जाके, नहाने के बाद ही सोएंगे। ऐसी जगह पे आप लोग ट्राई मत करें कभी, आए ना, पागलपंती कर रहे हैं गाइस प्लीज, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी प्लेस हो तो आप लोग मत जाना, और जाना तो आपको बिना नहाए मत सोए। देखिए गाइस देखने में कितना मस्त लग रहा नज़ारा, तो आप देख ही रहोगे इसका थोड़ा सा कॉम्बो, तो गाइस देखिए हर जगह वही है, किधर भी देखिएगा जहाँ देखिएगा आपको वही मिलेगा, देखने में तो मस्त लग रहा है पूरा सीन। तो जब आप देख रहे होंगे नीचे साइड, नीचे साइड हर जगह देखिए पूरा खतरनाक है, पूरा कांड करने वाला सीन है। अगर हम अभी रात को आ जाए हमारी फट के चार हो जाती है, ये देखिए देखिए जहाँ देखिएगा वही मिलेगा भाई साहब, देखिए आदमी का देखिए ऊपर वाला हिस्सा पूरा खतरनाक है गाइस, हमारी फट के चार हो रही है अभी तक भाई, हम भूत प्रेत या मलेच तो ना धर ले भाई, हम कोई हम प्रैंक नहीं कर रहे हैं, रियल है, देख लो इधर देखो पूरा वही, देखने में तो कितना मस्त जगह लग रहा है। गैस, एक रिक्वेस्ट,
हम तीनों आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप लोग एक लाइक का बटन मेरी डेयरिंग के लिए, हमारी हम तीनों के डेयरिंग के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ, मुझे ऐसा लगे, मुझे हिम्मत मिले फिर से वीडियो बनाने। अगर आप लोग का लाइक सपोर्ट नहीं मिला तो फिर दोबारा से वीडियो नहीं बना पाएंगे। प्लीज आप लाइक करें और सब्सक्राइब ताकि हम फिर से आपके लिए इसी टाइप का कोई खतरनाक सा ब्लॉग बनाऊं। गाइस फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखने में तो मस्त जगह लग रहा है लेकिन इस जगह का नाम कांड है। अपनी बाइक देखो, तुम आप लोग बाइक देखो वहाँ है लगा रखे हो, देखिए सही से नहीं दिख रहा, थोड़ा ब्लर साइड हो गया है। बाइक कोई बाइक ना चला ले, बस कोई बाइक ना चला ले, बाइक तो ऐसे नहीं चलानी चाहिए। हाँ लोग कर गया है। गाइस इधर मैं बता दूं कि इधर भूत भी रहते हैं, रातों को ऐसा माना जाता है भूत भी रहते हैं, सांप भी, और सांप के साथ और भी खतरनाक जानवर रहते हैं इधर, और साथ ही इधर लूटपाट भी बहुत ज़्यादा होता है। हम बता दें कि इधर ऐसा माना जाता है, अपनी आँखों से तो देखा नहीं, इधर मैं पहली बार आया हूँ, ये भी पहली बार, हम तीनों पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा मतलब इधर नीचे पहली बार उतरे हम लोग, उससे पहले रास्ते से गुजरते थे, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि नीचे आओ। और हमारा पहली बार में हाल खराब है, अगर हम रात को आते सोचो क्या हाल होता हमारा, तो अभी हम दिन में आए हुए हैं इसे, नहीं तो हमें भी डर लग रहा है, कोई बात नहीं है, इसीलिए हम अभी दिन में रात को नहीं आए, शाम टाइम है, रात ढलने वाला है, मतलब हाँ शाम ढलने वाला है, तो इसीलिए वो दिखा वो फूल जो दिखाया था ना गाइस अभी थोड़ी देर पहले, रास्ता है इसी रास्ते से मेरे गाँव का एक पंडित गुजर रहा था और एक ठाकुर नाई जिसको बोलते वो गुजर रहे थे, दोनों साथ में गुजर रहे थे, सामने वाले गांव में एक भोज था वहां से गुजर रहे थे, और वो जो आते वक्त पंडितों को और नाई को मिलता है दक्षिणा में, ये खाना पीना जो भी मिलता है, रास्ते में ऐसा स्टोरी बताई थी किसी ने कि रास्ते में भूत खड़े थे आदमी के भेष में और वाइट कलर का वो जो माना जाता है, ऐसा बोले भी वो बुजुर्ग, अभी भी जिंदा है हमारे गाँव में वो थे, और रास्ते में एक भूत था और उन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ना ही इसने देखा, हम तीनों ने नहीं देखा, बस कहानी सुनते आज भी सुनते हैं गांव में, रास्ते में एक वहीं पे भूत खड़ा था और वो भूत खाना मांग रहा था, और मेरे वो दद्दू मतलब मुंह बोला दद्दू लगते हैं वो गए भी सामने, जब सामने गए तो उनके होश उड़ गए, ये इतने बड़े मुँह का वो बोल रहे थे, मुँह में कोई स्किन वस्किन नहीं था, एकदम हड्डी था, फिर उनके पतलून गीले वो सो गए, बेहोश हो गए, उनकी होश सुबह जब आई तो फिर आया उनका होश, तो फिर उनको फिर सुबह वो अपने घर गए पैदल, भगवान ने मतलब अपना दया दृष्टि लगा रखे बना रखे थे इसीलिए उनकी जान बच गई, पता नहीं कैसे बची, हम लोग को पता नहीं क्या होगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम और भी स्टोरी सुनाएंगे आप लोगों को। तो गाइस यहाँ का घास देखिए आप कितना भूतिया टाइप से है, देखिए आप आमतौर पर ऐसे घास नहीं देखते होंगे, आप इसी से अंदाजा लगाइए, देखिए अब गैस कीजिए, देखिए यहाँ का घास देखिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ एक हड्डी की ओर एक कंकाल की ओर, देखिए 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 अमूमन ऐसा घास नहीं मिलता है, देखिए यहाँ का भूतिया प्रभाव देखिए इस जगह का, देखिए आप बहुत गैस सच रियली कह रहे हैं हम लोग, बहुत ही भूतिया जगह है ये। तो गाइस ये तो अभी तो शाम का वक्त है इसीलिए हमें उतना डर नहीं लगा, अगर हम रात को आते तो आप सोच सकते हो क्या हाल होता। तो चलिए हम चल रहे हैं ऊपर की साइड, बाइक लेके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो तब तक के लिए A few moments later. और ये चंद रात हो जाएगी और यहाँ पे अभी भी हम लोग बने हैं, देखिए यहाँ से नदी भी गुजरती है, सामने वो पशु भैंस दिख रही है, कुछ एक आदमी है एक बुरे हैं वो भैंस चला रहे हैं, पता नहीं कितने ड्रिंक वाले हम लोगों की, तो इससे बढ़िया सोचते हैं कि हम लोग आनी वानी वाला वीडियो बना लेते हैं उसी से हम खुश होते हैं, लेकिन हमारी तभी फट के चार हो रही है, तभी और एक आध जगह लोकेशन बचा पा रहा है वहाँ भी हम जाएंगे, हिम्मत करके जा रहे हैं। देखिए बाइक हम निकाल रहे हैं, ये है बाइक निकालेगा, आज बाइक हमारा स्टार्ट हो गया। तो गाइस जब हम जा रहे हैं अपने न्यू लोकेशन पर,